two, three. Boom. And you can push, you can take knife. Boom. प्रैक्टिस करना है जिससे आप इसे रियल टाइम में आप यूज करना सीख जाए. ओके, सो दिस इज योर ब्लॉक. यू आर वेलकम टू KSBT सिस्टम. आज हम एक सेल्फ डिफेंस में एक टेक्निक सीखने वाले हैं. आप एल्बो का यूज करके और नी का यूज करके कैसे फाइट को फिनिश कर सकते हो आप, या खुद को सुरक्षित घर तक पहुंचा सकते हो. तो इसमें फर्स्ट जो है वो हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, जैब एंड क्रॉस एंड देन स्विंग. व्हेन समबडी गिव्स यू स्विंग, ये आपका एंट्री पॉइंट है. ओके, इवन अगर आप फर्स्ट एंट्री अगर आप लेना चाहते हैं तो जैब के साथ में भी आप एंट्री ले सकते हैं. कीप योर हैंड्स ऑन फेस ऑलवेज. आपको आगे की तरफ फेस में अपनी फिंगर्स वगैरह रखनी है, जो भी आपका अग्रेशन है उसके साथ में. तो आप यहाँ टच कर सकते हो कहीं भी. तो आपका इस तरह से हो जाएगा, वन एंट्री ले ली, एल्बो ले लिया. बट फॉर प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे साथ ग्रुप में, उनके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं जो क्लासेस चल रही हैं. तो अगर आप इस वीडियो को देख कर प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पर, तो थोड़ा सा केयरफुली प्रैक्टिस करें. और अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग हमारा प्राइवेट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो इसमें फर्स्ट जो है वो है आपका जैब. आप इसमें अपना फेस जो है उसे सेव कर रहे हो, पुश कर रहे हो, पुश, एंड साथ ही साथ आपका जो हाथ है वो इस साइड को है, राइट. उसके बाद आप लोगों को पुश, जब क्रॉस होगा, क्रॉस तो आप इधर हैं. ओके, देन ही इज गिविंग स्विंग. फिर वो आपको स्विंग देगा, वहाँ से पंच करो, स्विंग दो. तो आपका जो ये हाथ है, एल्बो है, वो कहीं यहाँ सेंटर में होनी चाहिए. और इधर जब हाथ में प्लेस होगा ये, तो हिट होगा इस साइड. आप लोग यहाँ हिट कर रहे हो इस चीज़ से, या आप एल्बो कर सकते हैं, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं. पंचिंग एल्बो, दिस इज नाउ डाउन साइड. डाउन जब हम जाते हैं, तो अगर सेल्फ डिफेंस के केस में मैं आप लोगों को बता दूँ, जो हमारा थंब होता है उसे हम गर्दन की इस तरफ को, आप अपना टच करके देख सकते हैं कितना पेनफुल होता है यहाँ पर. ये जो हमारा एरिया है, इस पर आप अपना थंब जो है उसे अंदर की तरफ को प्रेस करेंगे. जैसे आप प्रेस करेंगे तो इसे बहुत पेन होने वाला है. और फिर आप हिट करके उसे थ्रो करके, एंड देन यू कैन रन टू होम. तब आप अपने घर जा सकते हैं. तो इसे हम एक बार फिर से देखते हैं पूरा सीक्वेंस. आ जाओ, वन टू थ्री. एल्बो इधर है, यहाँ पर आप एल्बो प्लेस कर सकते हैं. देन यू विल पंच, यू आर गोइंग फॉर पंच. लॉकिंग द हैंड हियर, लॉक द हैंड एंड पुट योर फिंगर लाइक दिस एंड प्रेस डाउन. ओके, एंड देन डायरेक्टली हिट ऑन चेस्ट, एंड देन यू कैन थ्रो, यू कैन गो होम. बट अगर आप लोग इसे घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको. थोड़ा सा ध्यान से आपको लोगों को ये करना है. जैसे ही बस आपने पंच किया, वन एंड टू एंड थ्री और फोर, आप हाथ प्लेस कर रहे हैं बॉडी के पास में, तो आप थोड़ा सा इसे, थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को इसको करना है. और क्योंकि प्रैक्टिस टाइम में एक दूसरे को चोट नहीं लगनी चाहिए, तो होपफुली कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा. एक बार लास्ट में इसे थोड़ा सा रेगुलर स्पीड में करके मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना. वन फोर पंच, हिट एंड पुश ऑन ग्राउंड, फिनिश, देन यू कैन गो होम. तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, या आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारा प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को वीडियो पे फ्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा होगा. तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर. आज हम नाइफ के 5 अटैक्स के बारे में फिर से बात करेंगे, और आज हम इसे रियलिटी बेस्ड समझेंगे कि इसमें जो हम ड्रिल करते हैं उस ड्रिल का, और जो रियल जो अटैक हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ हम इसको प्रैक्टिस भी करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट गिव मी एंगल वन, एंगल वन, एंगल टू, दो एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर एंड एंगल फाइव. ये हमारे एंगल फाइव हैं.
फाइव एंगल पे हम जब प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम स्टिक से प्रैक्टिस कर रहे हैं और या हम इस तरह के नाइफ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम प्रैक्टिस इस तरह से करते हैं, एंगल वन वन ओके टू एंड थ्री एंड फोर एंड फाइव ओके। और अगर आप लोग घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट से प्रैक्टिस ना करें, उसके लिए आप स्टिक बना सकते हैं, स्टिक से ही आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। जो लोग क्लास में हैं वो लोग भी ध्यान रखें कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से प्रैक्टिस ना करें। चलिए तो अब हम इसे रियलिटी बेस्ड अगर हम देखें, ये तो हमारा फर्स्ट, दोबारा से मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे वन एंगल वन दो, हम यहाँ टच कर रहे हैं, जैसे एंगल वन इज कटिंग मी थ्रू हियर ओके एंड आई एम गोइंग दिस साइड। और क्योंकि ये क्लोज क्वार्टर में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लोज क्वार्टर का मतलब है कि ये मुझे टच कर सकता है और मेरे पास वापस पीछे जाने की कोई जगह नहीं है, तो इसलिए हम करेंगे क्या कि यही हमें इसे काउंटर करना है, क्योंकि मैं पीछे नहीं जा सकता। अगर मेरे पास पीछे जाने का स्पेस है तो मेरा पहली चीज़ क्या होगी, मैं पीछे जाऊँगा और हाथ टारगेट करूँगा और कट कर लूँगा। गिव मी एंगल वन, जैसे उसने एंगल वन दिया, मैं पीछे गया, आई विल कट द हैंड ओके इन रियलिटी। बट अगर मेरे पास पीछे जाने का स्पेस नहीं है कम, तो मैं इसे ब्लॉक करूँगा, ब्लॉक करने के साथ इसे होल्ड करूँगा। बट फिर भी अगर हम इसे बिल्कुल रियलिटी की बात करें कि जहाँ पर मेरे हाथ में वेपन है, इसके हाथ में भी वेपन है, तो हम यहाँ प्लेस करने के बजाय या तो यहाँ प्लेस करेंगे या यहाँ प्लेस करेंगे। तो फाइव एंगल में हाथ में हैंड में प्लेसमेंट कैसे किया जाता है उसको देख लेते हैं। एंगल वन, दिस इज वन, आई विल गो इनसाइड, आई विल कट द हैंड, देन आई विल होल्ड, देन वी कैन गो दिस साइड। सो कम ऑल फाइव एंगल, वन टू, आई विल गो दिस साइड ओके, आई विल कट द हैंड, आई विल चॉप दिस, थ्री दिस साइड, आई विल पास दिस, एंड देन फोर दिस साइड, आई विल कट दिस हैंड and I will pass, then I will cut this hand, यहाँ हाथ काटूँगा फिर इसको मैं pass करूँगा ओके, या इधर जहाँ मुझे suitable होगा। इसे थोड़ा सा regular speed में करते हैं, दो angle वन angle टू angle थ्री angle फोर and angle फाइव। ये self defense में आप लोगों को अगर हमें knife के attack समझ में आते हैं तो हम इसको काउंटर करना इजी हो जाता है, इसलिए हम इसे डेली प्रैक्टिस में अपना लाते हैं। तो आपने देखा होगा कि क्लासेस में भी आप लोगों को ये डेली प्रैक्टिस के लिए बोला जाता है। चलिए अब हम इसे अगर पूरी ड्रिल को देखें तो इस तरह से होगा, वन कट, देन आई विल पास इट एंड चेंज द एंगल, आई विल गो दिस साइड, कट कट कट, थ्री कट, देन एंगल टू, आई विल कट हियर, गो दिस साइड, आई विल हिट हिट, गो दिस साइड, नाउ I will cut, pass, I will cut here, then pass this, then again this side and I will pass. हर एंगल का जो काउंटर है वो कई तरह से काउंटर हो सकता है। जैसे एंगल वन दो, एंगल वन मैंने ये काउंटर किया है अभी ओके, एंगल वन का ये काउंटर किया है, एंगल वन मैंने ये काउंटर किया है डायरेक्टली यहाँ प्लेस करने के बजाय, अगर मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि ठीक है मेरा हाथ यहाँ तक पहुँच सकता है तो मैं डायरेक्टली यहाँ काउंटर कर लूँगा या फेस में काउंटर कर लूँगा इस तरफ को ओके। दो एंगल वन, मैंने इस तरफ को काउंटर किया है, आई विल कट दिस, आई विल गो एंड कट हियर, देन आई कैन डिसआर्म और व्हाटएवर। तो यहाँ से आप लोगों के मींस कोई एक फिक्स जगह नहीं है उसे करने की, क्योंकि हम एक क्लास में एक शेड्यूल होता है कि हम कैसे सीखेंगे। तो पहला काउंटर हमें यही सीखना है, वन टू थ्री फोर एंड फाइव ओके। तो हमारा जो पहली ड्रिल है वो यही है। अगर आप घर में कर रहे हैं तो बाकी चीज़ें आप लोगों को छोड़ देनी है, सबसे पहले आपको टच करना है वन, इसे टच करना है आप लोगों को, और ये हाथ आपका सेंटर में रहेगा, टू थ्री फोर एंड फाइव ये। तो आपको इसी तरह से इसे अगर हम थोड़ा सा रेगुलर स्पीड में करें, वन वन टू थ्री फोर एंड फाइव दिस इज, तो आपको आपकी जो मूव बॉडी है,
जब आप इस तरह से मूव होते हैं तो आप नाइफ के एंगल से बाहर जाना सीखते हैं। ओके नाउ गिव मी एंगल वन, दिस इज वन कट हियर, आई विल कट इट। नाउ एंगल टू, एंगल टू पास हियर, दिस साइड एंगल थ्री यू विल पास हियर, यू कैन कट हियर। एंगल फोर, दिस कट पास, देन फाइव दिस। नाउ फ्रॉम फाइव I usually use this. From here, when I tap here, 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 I will just take the eye or the face. So, bang, this is. Raise it, cut it, pass. Now you can cut wherever you want to cut. जहाँ आपको कट करना है. So, last में एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो WhatsApp का नंबर आप लोगों की वीडियो पर फ्लैश हो रहा है. आप लोग हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं डेली, उसमें आप लोगों को इस तरह की क्लासेस मिलेंगी। उसमें उसके साथ ही साथ हमारा एक डिस्कशन ग्रुप चलता है जिसमें आप लोग अपनी वीडियो शेयर करते हैं और उस वीडियो को एनालाइज किया जाता है। और फिर आप लोगों का जो संडे है, संडे में हम जूम क्लासेस में आपको फेस टू फेस देख सकते हैं और चीज़ों को आप लोगों को वहाँ पर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। पुश किया, हिट किया, फिगर फोर में वैसे डाउन लाया, ऊपर खींच लिया, डाउन, टेक द नाइफ, कट हिम, पुश, दैट्स इट। अगर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी फाइट को 3 सेकंड में कैसे फिनिश कर सकते हैं, और इवन जब कोई आपको नाइफ से थ्रेट कर रहा हो तो देखिए किस तरह से आप करेंगे। जब यहां पर किसी ने आपको नाइफ टच किया, बॉडी के कहीं नीचे वाले लेवल पे नाइफ हो, तो आप उसे किस तरह से करेंगे। आप लोगों को सिंपली नाइफ को पुश करना है और आइस को हिट करना है। तो पहली चीज आप लोगों को समझना है कि अगर आप इस साइड को किसी भी साइड को मूव करेंगे तो आप रेंज में हैं। अगर आप इसे पुश करने के बाद इस साइड चले जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं बाहर आपका होगा नहीं। तो आपको सिंपली करना क्या है कि अपने हाथ जो है उसे थोड़ा ऊपर कर लेना है, क्योंकि नाइफ फाइट में एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपनी गर्दन कटवा रहे हैं, पेट कटवा रहे हैं, आंते कटवा रहे हैं, या आप अपने हाथ कटवा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में ऑब्वियस सी बात है कि हमारे अगर हाथ कट जाते हैं और किसी तरीके से मैं नाइफ पकड़ ही लेता हूं, ओके, और मेरा हाथ थोड़ा बहुत कट जाता है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। इसमें भी क्या है कि कम से कम मैं जिंदा घर जा सकता हूं। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का कि जो माइंड सेट है उसे इस तरह से प्रिपेयर करना होगा कि हम एटलीस्ट नाइफ को पुश करके होल्ड कर लें, चाहे उसमें हमारा हाथ वगैरह कटे। स्ट्रीट फाइट में जब तक बहुत प्रेशर के साथ नाइफ अंदर नहीं जाता है तो आपकी बॉडी में नहीं घुसेगा, ये भी एक फैक्ट है। अब इस तरह से अगर कोई आपको थ्रेट कर रहा है तो पहला ऑप्शन तो यही है कि आप उसे सारे सामान दे दें और जाएं। बट अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, आपको लगता है कि ये आपको जान से मारेगा, तो आपको करना क्या है कि यहां पर सबसे अच्छी ट्रिक है, आप सबसे पहले सरेंडर करने की पोजीशन में आ जाएंगे। आप सरेंडर कर लेंगे कि मुझे फाइट नहीं करनी है। जब ये आपकी पोजीशन है, आप लोगों को अपना सेटअप बना लेना है पुश करने का और आइस को हिट करने का। तो अब देखते हैं, जैसे ये आता है मुझे थ्रेट करता है, मैंने क्या किया, मैंने मना किया हिट करने के लिए। तो इस सिचुएशन में जब वो आपको थ्रेट कर रहा है तो आप लोगों को इसको जल्दी से पुश करना है, आईज में हिट करना है। फिर अगर आपको फिगर फोर आता है तो वेल एंड गुड, फिगर फोर नहीं आता है तो आप सेकंड लॉक यूज कर सकते हैं, इस साइड को आप पुश कर सकते हैं, यू विल गो डाउन। यहां शोल्डर को अगर आप होल्ड करेंगे और पुश करेंगे पीछे तो ऑब्वियस सी बात है वो नीचे चला जाएगा। यहां पे आप रख लीजिए अपना पैर और नाइफ ले लीजिए, ओके। फिगर फोर में करके देखते हैं इसको, जो आपने इंट्रो में देखा, जैसे ही उसने नाइफ किया वो थ्रेट कर रहा है, मैं यहां पे हूं, मैंने पुश किया, हिट किया, फिगर फोर में वैसे डाउन लाया, ऊपर खींच लिया, डाउन, टेक द नाइफ, कट हिम, पुश, दैट्स इट। अगर आपको जो पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा था, ये आपका वो लॉक है, फर्स्ट लॉक, आप इस फर्स्ट लॉक को यूज करके उसे कंट्रोल करके भी रख सकते हैं। जैसे मैं इसे ऊपर करूंगा उसे पेन होगा, ऑलराइट, जैसे ऐसे करूंगा, देखो इसका मेरे पास कंट्रोल है,
So let's understand this in quick 3-4 steps. पहला स्टेप है, जैसे उसने आपको थ्रेट किया, आपने हाथ ऊपर कर लिए, और दूसरा आपका पुश है, तीसरा आपका हिट है, और चौथे में आपको ये हाथ पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेना है। कंट्रोल अगर आप लॉक के साथ करेंगे, पिछला वीडियो हमने लॉक का बनाया था, उसे आप जरूर देखिएगा, ये लॉक का किया था, या आप अगर लेना चाहते हैं तो नाइफ हम सिंपली यहां से पुश करते हैं, इस साइड से हम यहां से पुश करेंगे तो नाइफ हमारे हाथ में आ जाता है, आप उसे सरेंडर करने में मजबूर कर सकते हैं। अगर आप यहां कहीं नाइफ प्लेस कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो सरेंडर कर लेगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सेफली प्रैक्टिस करें और किसी गाइडेंस में ही प्रैक्टिस करें, और हो सके तो जो नाइफ हो वो लकड़ी का ही नाइफ हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।